स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं किया जाता है। फिर कैसे करेंगे? तो उसका हम लोग एक फैक्टर पता करेंगे, है ना। तो एक फैक्टर कैसे पता करेंगे, इसके लिए कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 20, उसको उसका ऑल फैक्टर्स पता करेंगे। तो 20 का ऑल फैक्टर्स क्या सब है, ये अब हम क्या करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या कि सारा वैल्यूज वन बाय वन इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर जीरो आता है, क्योंकि जो वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा वो वैल्यू उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। फिर जीरोज एक मालूम हो जाएगा तो उससे हम लोग एक फैक्टर पता कर लेंगे। बट अब इतना सारा वैल्यूज क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा वैल्यू इसमें से लेंगे जिसको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करने पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि बाय ट्रायल मेथड, यानी ट्रायल मेथड से हम लोग फैक्टर का वैल्यू पता करेंगे। इसके लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। मतलब हम पता नहीं कर रहे हैं लेकिन हम बता दिए हैं कि ट्रायल मेथड से हम उसको पता किए हैं, तो पता चला कि x इज इक्वल टू -1 लेने पर रिमाइंडर जीरो आता है। तो x का वैल्यू मैंने -1 लिया इनमें से, ठीक है। तो और ये वैल्यू पुट करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो x के जगह -1 आ जाएगा। RHS में भी x के जगह माइनस रखेंगे और ये कितना आता है, जीरो। ये क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जीरो आया। और -1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, तो एक जीरो इसका पता चल गया। तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एक जीरोज -1 है, तो इसका एक फैक्टर होगा x+1। तो x+1 पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। अब हम बाकी फैक्टर, तो एक फैक्टर तो हम लोगों ने मालूम कर लिया, बाकी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो x+1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल लाना होगा। तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल आएगा। अब उस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे और इस दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, कैंसिल, दोनों को माइनस करेंगे, इतना। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे, तो 12x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल आएगा। तो 12x यहाँ लिखेंगे और उससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, दोनों को माइनस करेंगे, इतना आता है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आता है। यहाँ 20 लिखेंगे और उससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, रिमाइंडर कितना आता है, जीरो। अब बाकी फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, एक फैक्टर तो ये हो गया, अब बाकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। डिवाइड करने पर जितना कोशेंट आया था, कोशेंट कितना आया था, इतना। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे
कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इनटू टू पार्ट्स, तो टू पार्ट्स ये दोनों बनेगा। अब दो पेयर पेयरिंग कर लेंगे, इस पेयर से एक्स कॉमन आएगा, फिर इस पेयर से टू कॉमन आएगा, फिर एक्स प्लस टेन दोनों से कॉमन आएगा। इस तरह से टू फैक्टर्स ये हो गए, एक फैक्टर एक्स प्लस वन था और टू फैक्टर्स ये और ये, ठीक है। इस प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल का दो फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर और क्या था, एक्स प्लस वन, तो थ्री फैक्टर्स क्या सब हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टेन और एक्स प्लस टू। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जितना सारा वीडियोज सेंड किया है उसमें किसी भी वीडियोज में समझने में या कोई है प्रॉब्लम आता है तो उसको उस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में है ना लिखेगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, ओके।